नमस्कार दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। 4/1/2024 को रणजीत हनुमान समिति द्वारा प्रभात फेरी सुबह 5 बजे से निकाली गई, जिसमें रणजीत हनुमान जी की मूर्ति व ध्वनि विस्तार यंत्र मौजूद थे। जुलूस मंदिर से दशहरा मैदान तक तरफ आ रहा था, तभी HP गैस एजेंसी महावर नगर के पास दो पक्षों में आपस में टकराने की बात पर धक्का मुक्की व विवाद हुआ, जिस पर शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चाकू से हमला कर घायल किया गया, जिसको अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर धारा 302/34 भादवे का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 4 को रंजीत हनुमान मंदिर समिति द्वारा एक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था, जिसमें सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी में जो पालकी है और श्री राम की एक जो पालकी थी उसको निकाला जा रहा था। इसमें काफ़ी मात्रा में जो आम जनता का हजूम था वो उपस्थित हुआ था, जिसमें लगभग 50,000 से 1,00,000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। उस दौरान मऊ नाका के पास में महावर नगर के पास HP गैस एजेंसी के पास में दो पक्षों में धक्का मुक्की की बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें धक्का मुक्की में कुछ लोगों को चोट आई और एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी है, उसे दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक धारदार हथियार चाकू से घायल किया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया था। इस पर से सूचना मिलते ही तत्काल मामले को पंजीबद्ध किया गया, 302 का मामला पंजीबद्ध किया गया और इसमें थाना अन्नपूर्णा की और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमों को आरोपियों की पहचान के लिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था। घटनास्थल से चक्षुदर्शी साक्षी, कुछ 6 से 7 संदेही और आसपास के लगे हुए फुटेज CCTV के और लोगों से पूछताछ करने के बाद में 3 मुख्य आरोपियों की पहचान हो पाई थी, जिनके नाम यश पिता जितेंद्र गोधा है, कपिल पिता परशुराम यादव और युवराज पिता चंदर यादव। ये तीनों भागीरथपुरा के रहने वाले हैं और इनके अलावा अन्य कुछ लोगों की सहभागिता पाई गई थी। पृथक पृथक क्राइम ब्रांच की और अन्नपूर्णा थाना की टीमों के द्वारा इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए गए और इसमें यश पिता जितेंद्र गोधा और युवराज पिता चंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात पूछताछ में इनके द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया और घटना में इस्तेमाल किया गया जो चाकू था वो और घटना के दौरान पहने हुए कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था उनको इनके द्वारा छुपाई गई जगह से बरामद करवाया गया। इस प्रकार से फिलहाल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 आरोपी कपिल यादव फरार है और अन्य कुछ आरोपी संदेही हिरासत में है, जिनसे पूछताछ करके बाद में पृथक से इन्हें आरोपी बनाया जाएगा। चाकू कहाँ से आया सर आरोपियों के पास? आरोपियों के से पूछताछ में बात सामने आई है कि फेरी के दौरान ही उन्होंने कुछ अन्य लोगों से विवाद करके चाकू छीना था। मुख्य कारण सर मृतक शहर तक इसे संगठन में जुड़ा था, इसकी जानकारी है क्या? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा इस घटना में जो मृतक है शुभम पिता नरेंद्र रघुवंशी वह बजरंग दल का कार्यकर्ता था और उनसे जुड़ा हुआ था। मुख्य कारण क्या रहा इसका? घटना का मुख्य कारण यह सामने आया है कि जो आरोपी पक्ष के लोग हैं वे जो डिवाइडर है उस पर चढ़ करके फेरी की यात्रा को देखना चाह रहे थे, उस दौरान स्लिप करके एक पक्ष ऊपर गिर गए थे। इस दौरान उनके आपस में विवाद हुआ, हाथापाई हुई और हाथापाई में आरोपी पक्ष का एक व्यक्ति जो कि कृष्ण प्रजापति जिसका नाम है उसके साथ मारपीट की गई, जिसके सर से खून निकला। इस प्रकार तत्कालिक विवाद में आक्रोश में आकर आरोपी पक्ष के यश और युवराज के द्वारा मृतक है उसे गले पर चाकू से वार किया गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। बैकग्राउंड क्या है इन लोगों का? युवराज जो है वो ट्रक खाली कराने का काम करता है और यश सैनिटरी नैपकिन्स की जो पॉलिथीन होती है उसकी कटिंग का काम करता है। सर आपके लिए पर्याप्त बल था, पर्याप्त तो लगाया गया था, वेजिटेट ऑफिसर लगाए गए थे, लेकिन जिन आरोपियों ने चाकू छीना है वो भी खुलेआम चाकू लेके घूम रहे थे, क्या सिविल में जवाब नहीं थे? इतने बड़े फौजदार ने दिखेंगे कि और अन्य कौन लोग जी? ये प्रभात फेरी का कार्यक्रम जो है लगभग हर वर्ष होता है और इसमें हर वर्ष पुलिस की व्यवस्था लगती है। पुलिस की व्यवस्था इस बार भी चाक चौबंद लगाई गई थी, जिसमें 3 गस्टेड ऑफिसर्स लगाए गए थे, 8 TIs लगाए गए थे और काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया गया था। इसके अलावा रंजीत हनुमान समिति के लगभग 450 वॉलंटियर्स भी थे जो इस व्यवस्था को लगाने में लगे हुए थे, इनके द्वारा व्यवस्था को सुनिश्चित कराया गया था। जिस प्रकार से जो लोग खुलेआम चाकू लेकर घूम रहे थे इसी क्रम में आज अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा भी कई लोगों से चाकू भी जब्त किए गए, जिसको अलग से मामला पंजीबद्ध किया गया है
और यह घटनाक्रम करने के बाद में जो आरोपी फरार थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर, और क्या जिनसे चाकू छीना उन्हें भी गिरफ्तार किया, उनकी तलाश? जिनसे चाकू छीना गया है उनकी अभी तलाश जारी है, उनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इनका क्या हो गया, रिमांड भी छोड़ने जा रही है पुलिस? जो आरोपी चिन्हित किए गए हैं उनके मकानों की के बारे में सूचना नगर निगम को दी गई है। नगर निगम की टीम के द्वारा इनके मकानों की वैधता या की जानकारी ली जाएगी और अवैध पाने पर इनके मकानों के ऊपर विरुद्ध जो अतिक्रमण रिमूवल की कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, आरोपियों का कुछ इसमें जो शामिल लोग हैं उनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? अभी फिलहाल जो आरोपियों के नाम आए हैं उसमें 3 मुख्य नाम हैं व अन्य कुछ नाम हैं जिसमें कई लोगों के संबंध अलग अलग राजनीतिक दलों से आ रहे हैं, जिसकी तस्दीक की जाकर उनके अनुसार उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी, कुछ आरोपी नाबालिग पाए गए हैं जिनके विरुद्ध जो किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करके कार्रवाई की जाएगी। अभी जो 3 नामजद आरोपी हैं उनकी क्या एज है? लगभग 20 साल के हैं सभी आरोपी। सर, एक ये आरोप था मृतक के परिजनों का भी, अन्य संगठन का, कि नशे को लेकर के नशीलियों ने उस पर हमला किया, क्या वाकई ये नशे में थे या? फिलहाल अभी तक जितने संदेही हिरासत में लिए गए हैं और जितने आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में नशा करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, इस प्रकार से कार्रवाई की गई। सर, आरोपी फरार कहाँ हुए थे घटना करने के बाद? घटना करने के बाद आरोपी पहले अपने घर गए, उसके बाद ये सांवेर साइड भागने की फिराक में थे, जिनको क्राइम ब्रांच और थाना अन्नपूर्णा की टीम द्वारा घेराबंदी करके उनको पृथक प्रयास से पकड़ा गया। सर, अगर पुलिस के सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो आरोपियों को वहीं क्यों नहीं दबोच लिया गया, क्योंकि इतना बड़ा विवाद हुआ और इतना पब्लिक के बीच में हुआ, वहाँ पर पुलिस तैनात थी, उसके बावजूद आरोपी कैसे फरार हो गए? जी, घटना जिस समय हुई उस समय वहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग मौजूद थे और घटना करने के तुरंत बाद ये जो तंग गलियाँ हैं वहाँ पर जाके फरार हो गए थे, इस कारण से वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों को तुरंत नहीं मिल पाए। बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से तत्काल 8 घंटे के अंदर में हमने उनको गिरफ्तार करके